हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसके लिए जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ। मैं असम रिकॉम में एक्सपोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के लिए निकला हुआ है, तो उसमें जो भी बंदा अभी तक जिसको पता नहीं, अगर पता भी है, बहुत कम शॉर्ट टाइम है, बहुत अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है असम रिकॉम के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए। तो आप बिल्कुल भी लेट ना करें, मैं आगे वीडियो में दिखाते रहूँगा। मैं भी नया है मेरे चैनल में, बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मैं हूँ रंजीत और मेरा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आपका डिक्लेरेशन डेट 25 जुलाई 2021 ऑनलाइन स्पोर्ट्स का वैकेंसी इसमें दे रखा है। आर्चरी, कराटे, टाइकंडो, मेल और फीमेल दोनों है इसमें। कितने कितने वैकेंसी है देख लेना। इसके बाद इसने वेबसाइट भी है। अगर अभी भी आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी भी अगर किसी ने लेट भी कर रहे हो तो आप वेबसाइट से जाके वो कर सकते हो, या तो कैफे में जाके फटाफट वो करो। बाद इसमें OBC कैटेगरी कैंडिडेट 100 रुपीस। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह है इसमें। उसके SC ST 5 ईयर्स, 5 ईयर्स SC ST रिलैक्सेशन है इसमें, और उसका नीचे जाए आपने डिटेल से पढ़ा होगा, मैं दोबारा फिर भी आप लोग को याद दिलाने के लिए वो कर रहा हूँ। उसके बाद एज लिमिट जनरल एंड OBC कैंडिडेट 18 से 28, ठीक है, देखना भैया उसको। SC ST कैंडिडेट 18 से 33 ईयर्स, 1 अगस्त 2021 तक, ठीक है। इसका नीचे मैं डिटेल में उतना नहीं है, आपने इसको बीच में होल्ड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो। कैंडिडेट वेरिफिकेशन, ठीक है, इसको भी पढ़ लेना। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब प्रूफ ले के आना पक्का। इनिशियल डॉक्यूमेंट ये सब बिल्कुल बना कर रेडी रखो। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल मेल और फीमेल दोनों के लिए हो रखा है। चेस्ट का एक्सपेंडेशन 5 सेंटीमीटर नॉर्मल होता ही है, करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। उसके बाद इसमें सबका गुरखाली का अलग है, असम, उसके बाद डोगरा, मराठास, ये सब का अलग अलग है, जैन कश्मीर रिसेट का अलग है। तो आप उसमें से इस रिलैक्सेशन इस डिटेल में इसमें से पढ़ लेना आपने। उसके बाद वेट का, आपका वेट का, आपका एज के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट जाके खड़ा कर दिया, ऐसा नहीं, आपका एज और हाइट देखेगा, उसी में ही आपका वेट मिल जाएगा। वो BMI बोलता है उसको, BMI के हिसाब से बॉडी मास इंडेक्स, तो वो देख लेना उसके हिसाब से। इसके बाद यहाँ से सीधा आगे तरफ चलते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट यही है इसका, पे स्केल के बारे में। अब भैया पहले, सबसे पहले आप इसके लिए तैयारी हो जाओ। पे स्केल का भी मैं अलग से वीडियो देखता हूँ, और अगर इसमें से कुछ डाउट है और कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा आप लोग, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैं वीडियो भी और आपके लिए बना दूँगा। तो कैसा लगा फिर वीडियो मेरा, कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं अगले वीडियो आपके लिए इस तरह से बनाते रहूँगा। इस तरह जाना है, यहाँ आने के बाद आपको ऊपर में दिख रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में जाने के बाद आप इसमें अपना बायोडाटा भरना है। इसमें मेल सेलेक्ट, आप कहाँ से है, तो मैं हूँ ओडिशा से, ओके। नेक्स्ट ट्रेड्स, इसमें ट्रेड्स भरना है, सब जनरल ड्यूटी ही आएगा इसमें स्पोर्ट्स के लिए। इसका जनरल SC ST, मैं हूँ ST, ओके। और इसमें से उसको रहने दो। इसके बाद स्पोर्ट्समैन, ऑलरेडी ऐसे भरा ही है स्पोर्ट्समैन। इसके बाद क्वालिफिकेशन आप भर सकते हो, 10th इधर से एग्री, यहाँ इसको छोड़ दो। इसके बाद एग्री, इसके बाद ओके कर दो।
ओके करने के बाद में आपका पेज इस तरह से खुल जाएगी। ये खुल गया पेज, आपने यहाँ पे आपका डिटेल, यहाँ पे डिटेल आपका नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एप्लीकेशन, ये सब कुछ, अपने डीओबर, रिलीजन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, स्टेट, उसके बाद आपका ये सब, आपका स्पोर्ट लेवल, ये सब उसमें ऑप्शन वगैरह है। अब इसमें पूरा डिटेल भरो। मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल भी लेट ना करें, बिल्कुल भी लेट ना करें। इतना अच्छा मौका मिला आप लोग ने, जो इंटरेस्टेड है, जो भी बंदा अब इंटरेस्ट हो, आप इसके ज्वाइन करो, इसमें ऑनलाइन स्टार्ट कर दो। इसमें आपका वेरिफिकेशन कोड वगैरह है, मैं प्रोसेसिंग बहुत ईजी है। आप अपने मोबाइल से भी, घर बैठे भी आप अपने मोबाइल से भी, जो आपने एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो उस मोबाइल से भी आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ।